सत श्री अकाल जी सारिया नूं। अज की वीडियो दे विच मैं बनाई है शलगम की बहुत ही अजीब जी रैसपी बनाई है, बहुत शानदार टेस्टी रैसपी बनी है। प्लीज़ वीडियो तो देखने तो पहले सारे जने मेरे चैनल जो सबसक्राइब कर लो जो भी चैनल देखते हैं। आप चलते वीडियो वाले तो देखते हैं कि बनाया है तो किदा बनाया। एंड तक वीडियो देखो तो तुम्हें पता चलूगा कि बनाया सी मैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है ये। इसलिए मैं ले मटर शलगम ले मटर ले अद्धी कौली मटर की आ लसन तो अदरक तो आ प्याज चार। हुण आपां शलगम जिहड़े हैगे इहनां नूं कद्दूकस कर लिया सारे शलगमां नूं। आ प्याज भी चॉप कर ले मैं शलगम कद्दूकस कीते। हुण आपां लिया पैन इच पाए मैं सरों का तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा पाउणा आ, बहुत ज़्यादा भी नहीं पाया ठीक जिहा पाया आ। तेल दे जिहड़ा कौड़ापन चला गया इच पाया जीरा तो मैं इस पाऊँगी थोड़ी जी हिंग। इस पाते मैं प्याज जो चॉप किए प्याज वह पाते बिच चंगी तरह हिला देना तो जल जलना जान प्याज हिलाते रहना नाल दी नाल। सारे प्याज बिच पा के पाती मैं हरी मिर्च चार हरिया मिर्चा कट्टियां सी मैं बरीक वे पाती। लसन तो अदरक मैं कुट लिया सी कुट के पेस्ट वह पाता ये मैं हमेशा कुट के पाँनी हाँ। चंगी तरह मसाले में भुन लेना है मसाला देखो ब्राउन हो चले थोड़ा थोड़ा चंगी तरह भुनना मसाले में आप काली नहीं करनी हैगी। मसाला भुज गया चुनाव टमाटर टमाटर में चॉप किया चॉपर के एक वड्डा टमाटर किया क्योंकि बहुत चटपटी सब्जी बनूगी बहुत टेस्टी बनूगी। हल्दी हल्दी थोड़ी जी पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पानी। लाल मिर्च और नमक कदर ना हो ज़्यादा सब्जी का इस करके हल्दी बहुत थोड़ी पानी है लाइट जहाँ कदर सोहना लगता है। चंगी तरह भुन लेंगे मसाला तेल बिल्कुल अलग हो जाए। इस पाते मटर मटर भी नाल ही भुन लेने मसाले दे मैं क्योंकि मटर जड़े है कच्चे रह जाते हैं इस करके इन्हों मसाले दे नाल ही भुन लीद आप। थोड़ी देर ढक दूंगी ढक के पका लूँगी। आ देखो काफ़ी भुज चले आ इस पाऊंगी कश्मीरी चिल लाल मिर्च में थोड़ी जी इन्हें कलर बहुत सोहना होगा एक चमच पाई कश्मीरी लाल मिर्च। हूँ चंगी तरह मिक्स करके इन्हें फिर ढक दूंगी और चंगी तरह पकाऊंगी। कलर देखो सोहना आ चलिया तेल काफ़ी अलग हो चलिया यदा हमें पा दूँगी शलगम मैं शलगम जो कद्दूकस किए तो पा दूँगी। शलगम का भड़था भी कह सकते आप पर बनता बहुत टेस्टी है ये। चंगी तरह मिक्स करके इनू पकने लिए रख देंगे आप। देखो मिक्स हो गया चंगी तरह शलगम काफ़ी सुंगड़ गए हुए इदा ही पकाते रहना आप चंगी तरह। ढक दूंगी हूँ इन लो घट सेक तो ढकना है बहुत तेज नहीं करनी है अग। देखो काफ़ी बन गया
तकरीबन तैयार हो चले है। थोड़ी देर ना शलगम पक जाते, बहुत जल्दी पक जाता शलगम इदा, और बहुत टेस्टी बन जाता परथा या सब्जी या साग कुछ भी कह सकते अपन। मटर देख लेने, मटर रिज के हुए है शलगम तो बन गए, क्योंकि मटर देखने थोड़े मटर ना कच्चे रह जाने, बस उन्हें चाहता धनिया पाउडर थोड़ा जहा मिक्स कर देना चंगी तरह। हाँ थोड़ा पानी पा दूंगी इनू, क्योंकि काफ़ी सुखा जहा लग रहा है, तो ग्रेवी टाइप बन जूगा। फिर तो थोड़ा मक्की का आटा भी एक चम्मच पा सकते हैं, पर थोड़ा चंगी तरह पकाना पैना फिर, ता करके मैं नहीं पाया है, इदा ही वधिया लग गया। उपर पाता धनिया, तकरीबन सब्जी होगी तैयार, बहुत टेस्टी स्मेल बन रही है। पानी सुखा देना जरा बिच, हम पानी ज़्यादा ना अलग अलग करके, थोड़ी ग्रेवी जो है पर पानी बहुत ज़्यादा ना हो सब्जी, इन्हें ध्यान रखना है। तुम देखो इस पाऊंगी क्रिस कसूरी मेथी थोड़ी जी मसल के पा दूंगी हूँ, क्योंकि ना बहुत वधिया टेस्ट आना सब्जी का। सब्जी होगी तैयार, तकरीबन बहुत सोहनी बनी है, ढक दूंगी इनू तो गैस करती बंद। मैं तुम भी इदा बनाओ, देखो कितना सोहना परथा बनया है, अगर भी बहुत वधिया आया तुम इदा बनाओ तो अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर दसो कमेंट करके, मैंने थोड़ी किदा की बनी है। मिलते हैं बहुत जल्दी नवी वीडियो के नाल, प्लीज़ चैनल जो सबसक्राइब कर लो और छोटी जी बैल दाणी प्रेस करो, तो हर हर कौन वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्दी नवी वीडियो के माल नाल, उद तक बाय बाय।